नारायण नारायण नारायण। एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया है कि मैंने आपकी वीडियो देखी है जिसमें आपने बताया है कि मंत्रों के जब से हानि होगी अगर आप दीक्षित न हो, तो गुरुजी मेरी शंका ये थी कि साधना में अनुभव के समय विचलित होने के कारण साधक को हानि होती है या फिर देवी देवता स्वयं साधक को हानि पहुंचा देते हैं, कृपया समाधान कीजिए। तो उसमें हमने जो उत्तर इनको दिया है कि ये दोनों प्रकार से हानि होती है, अर्थात साधना में अनुभव के समय विचलित होने के कारण, साधना की ऊर्जा को संभाल न पाने के कारण, और देवी देवताओं स्वयं साधकों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें नुकसान तो पहुंचाते नहीं है, लेकिन साधना में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। जो भी देव देवता है, जो सात्विक देवता है, क्योंकि जो तामसिक देवता है उनकी अगर जैसे भूत प्रेत पिसा चुके आप करोगे, वो तो फिर तो मार कर ही दम लेते हैं, वो अपने लोक में ले जाते हैं। इसलिए पहली बात तो किसी भी प्रकार के तामसिक साधकों के चक्रव्यूह में पड़ना नहीं चाहिए। आने वाले समय में मैं ये प्रेत साधक उनके चमत्कार क्या क्या करते हैं, लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं, समाज इन लोगों के तांत्रिकों के चक्रव्यूह में आकर कैसे अपना लोक परलोक, अपना परिवार, अपने युवा कन्याओं के जीवन, घर परिवार की स्त्रियों के जीवन, और कुछ मूर्ख महिलाएं जो इन भूत प्रेत पिशाचों के चक्रव्यूह में पड़कर कब्रिस्तान में, श्मशान में, मज़ारों में जाकर जो इस प्रकार से पूजन वगैरह करती है, तो उनके साथ क्या इस प्रकार से हानि होती है, उनका क्या नुकसान होता है, घर परिवार वाले को किस प्रकार से नुकसान होता है, वो विषय भी मैं धीरे धीरे क्रमशः रखूँगा। तो प्रथम तो तामसिक साधनाओं जो देवता है उनकी उपासना कभी करना नहीं चाहिए। पाताल का भूत प्रेत मसान आदि जो भी आजकल चैनलों में जिस तरीके से प्रचलन हो रहा है, वो केवल और केवल लोक और परलोकों को विनाश की तरफ ले जाने वाले हैं, और ये लोग तो अपनी सात पीढ़ी के साथ नरकों में जाने वाले लोग हैं। इनके पीछे पीछे जो लोग अनुसरण करते हैं उनकी भी दुर्गति होती है। तो जहाँ तक भगवान जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे स्तोत्र आदि उपासना पद्धति है, भगवान के नाम, भगवान के मंत्र आदि जो विधान बताए हैं, स्तोत्र नाम तो सार्वजनिक है, वो कोई भी कर सकते हैं, किसी अच्छे मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं। मंत्रों के लिए भी विधान है कि वो दीक्षा लेकर ही जपनी चाहिए। तो जैसा इनका जो प्रश्न है कि क्या साधना में जो अनुभव करते हैं तो विचलित जो अनुभव होते उसके कारण ऐसा होता है क्या, तो उसके कारण ये भी है कि बहुत से साधक जब अनुभूतियाँ होती हैं तो वो विचलित हो जाते हैं, उसके कारण भी होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब साधना काल में जो नियमों का पालन नहीं करते, जैसे मौन रहना चाहिए, मौन नहीं रह पाते, तो फिर वो जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके ऊपर, आपके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, आपके ऊपर आक्रमण कर बैठेंगे, आपको अपशब्द बोलेंगे, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा ये है कि साधनात्मक जब आप इन बीज, जैसे कोई जिन मंत्रों में बीज मंत्र होते, इस पर भी मैं अभी बीज मंत्रों का जो रहस्य होता है उस पर भी मैं कभी आगे चल के बताऊँगा। तो बीज मंत्रों का जब हम जप करते हैं तो उसके हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर में जो दल है, बीज जो 16 प्रकार के, जैसे कि हमारे विशुद्धाक्य चक्र है, इसमें 16 प्रकार के बीज उसमें होते हैं, जिनके मात्र वो जो बीज होते हैं, तो इन बीजों का हम लोग जप करते हैं तो उसके कारण यहाँ पर जो दल उस पर होते हैं, प्रत्येक बीज का एक दल होता है, वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा होती है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। यदि बीज मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं हुआ या बीज मंत्र का प्रयोग करना नहीं आया तो उसे भी ऊर्जा एक गलत दिशा में हमारे अधोगामी होती है, कभी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है और उसके कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा कारण ये होता है कि निश्चित रूप से जब आप देवी मंत्रों का जाप करोगे तो मंत्र के साथ किसी न किसी विशेष देवता की शक्ति जुड़ी होती है और उन देवताओं के भी उपदेवता होते हैं। जैसे कि माँ भगवती दुर्गा का आप मंत्र जपते हैं तो दुर्गा जी तो आपको बाद में मिलेगी, परंतु उसके पहले उनकी जो शक्तियाँ हैं, जैसे द्वारपाल होते हैं, आपने यंत्र में देखा होगा 4 द्वार होते हैं, तो 4 द्वार में कौन कौन होते हैं, जैसे कि एक में गणेश जी होते हैं, गणेश जी मुख्य द्वार में होते हैं, 64 योगिनियाँ होते हैं, भैरव जी हैं, क्षेत्रपाल है, तो 64 योगिनियाँ भी द्वार पे होती हैं। तो एक चक्र बनता है, चक्र के बीच में फिर आदिशक्ति का वास होता है। तो जब हम भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे तो उनकी जो शक्तियाँ होती है,
जैसे 64 योगिनियाँ हैं या उनकी उपदेवताएँ होती, जैसे अष्ट शक्तियाँ होती हैं, तो वो परीक्षा लेने आती है। और परीक्षा लेने का मतलब ये कि भाई उसकी तुम साधना को सफल करने न पाओ, उसमें विघ्न उत्पन्न करो जिससे कि तुम साधनों में आगे न बढ़ने पाओ, यही परीक्षा है। परीक्षा नहीं, बाधा उत्पन्न करना। जैसे कोई एथलेटिक होता है, वो दौड़ लगाता है, तो एक उसको बीच में एक बाधा उत्पन्न की जाती है, फिर उस बाधा को पार करके तब आपको आगे दौड़ना पड़ता है। तो एक प्रकार से ये जो बाधाएं हैं वो ये उत्पन्न करते हैं, देवी देवताओं के जो गण होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। भगवान शंकर की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, तो भूत गण आदि सेवितम, तो भूत गण वहाँ पे आपको विघ्न उत्पन्न करेंगे। तो इन विघ्नों को पार करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। और ये क्षमता जो होता है एक नया नया साधक जो बिना दीक्षा लिया नहीं, अभी उसके पीछे कोई सहायक नहीं है, उसके पीछे कोई उसे ज्ञात नहीं है कि हमें साधना काल में क्या अनुभूतियाँ होती है, क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, कौन से विघ्न आते हैं, उनका शमन कैसे करना चाहिए, और वो सीधा यदि साधना के क्षेत्र में कोई मंत्र मिला और अनुष्ठान करने लग जाएगा तो वो इन समस्याओं से घिर जाता है। और ऐसे अनेक अनुभव मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के पहुँच रहे हैं। और चूँकि हमारा भी एक आध्यात्मिक जीवन है तो अनेक ऐसे श्रद्धालु हैं जो साधना किए हैं, तो उनके जीवन में जो अनुभूतियाँ हुई है, साधनाएँ भी हुई है, उनके आधार पर मैं ये सारा विषय आपके सामने रख रहा हूँ। और शास्त्रों में भी ये वर्णन आता है, अनेक महापुरुषों ने विषय पर अपने जो अनुभव रखे हैं उसके आधार पर भी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आप सदैव ध्यान रखें कि जो शास्त्र का जो नियम है, कि जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी आचरण करता है तो उसका जो परिणाम, उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति का एक ज्ञाता होता है। जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर है तो वो जानता है कि कौन सा तार कौन सी जगह पे लगाना चाहिए। जैसे एक छोटा सा मोबाइल है तो मोबाइल का आपने देखा पीछे प्लेट होती, नहीं जाने कितने तार होते, कहाँ कहाँ चिपके होते हैं, तो कहाँ कौन सा तार लगाना चाहिए, वहाँ पे कैसे चिपकाना चाहिए, तो वो एक इंजीनियर ही जानता है। और हम लोग गलती से नहीं ये तार यहाँ से वहाँ लगा के देखते हैं, चेक करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से वहाँ भी तार अगर टच हो गया तो पूरा सिस्टम ही ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही मंत्रों में जो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। कुछ लोग अधिक कहीं पर भी किसी ने बता दिया, जैसे मैंने नवारण मंत्र में कहा था कि नहीं ओम लगाना नहीं चाहिए, तो कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं इसमें ग्रेविटी बढ़ती। भैया ग्रेविटी बढ़ती है तो ये बात ऋषि मुनियों को समझ भी नहीं है कि ग्रेविटी बढ़ती है या इसके ओम लगाने से ज़्यादा लाभ होता है, तो वो पहले ही बता देते ओम उसको नवारण की जगह दशवर्ण वाला बना देते, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने, क्योंकि वो इसके ऋषि या मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि में वह होता है जो मंत्र के दर्शन करता है, साधना करता है और उसके बाद उस पत्र के अनुभवों का दर्शन करता है। उस मंत्र के साधना काल में जो अनुभव होते हैं, विघ्न आते हैं और मंत्र का जो शुभ परिणाम होता है उसका वो दर्शन करता है, उस इष्ट का दर्शन करता है, इसलिए उसको ऋषि या मंत्र दृष्टा, मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। उन महापुरुषों ने इन मंत्रों का वर्णन किया है और वो ज्ञान जो है वो परंपरा से प्राप्त होता है। सामान्य रूप से भगवान की उपासना करने के लिए स्तोत्र है, उपासना है, पुराण है, पठन पाठन के बहुत सारे विधि विधान हैं, वो आपके लिए उपलब्ध है। और मंत्र क्षेत्र में जाना है तो उसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना चाहिए, ये शास्त्र भी कहता है, ये संत महापुरुषों का अनुभव भी है। और मैं अपनी ओर से भी ये कहूँगा कि आप ऐसा ही करिए, अन्यथा जो मैं आपको ऐसे ऐसे अनुभव बता सकता हूँ उनके जीवन में कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये संभव ही नहीं है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह असंभव कुछ नहीं है। हम लोग स्थूल शरीर को ही इतना सब कुछ मान लेते हैं, स्थूल जगत को इतना सत्य मान लेते हैं, हमारे बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है कि हम सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत के अनुभव को समझने की हमारे में उतनी क्षमता नहीं होती है। तब हमें इस प्रकार के जब अनुभव होते हैं तब हमें वो चीज़ें चमत्कारिक लगती हैं। परंतु जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्नत होते हैं, जो सूक्ष्म जगत तक जिनकी पहुंच होती है, वो इन रहस्यों को समझते हैं और उस आधार पर अपना विषय और मार्गदर्शन हम लोगों को करते हैं।
तो एक जो इन्होंने प्रश्न किया है, ये विदेश के श्रद्धालु हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पे जो संदेश भेजा है उस आधार पर मैंने ये उत्तर दिया, क्योंकि ये आवश्यक भी है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि कोई साधक ऊर्जा संभाल सकता है तो क्या वह बिना दीक्षा के भी जप कर सकता है। तो ऊर्जा संभालने की स्थिति में भी फिर उन्होंने तर्क किया है, क्या ऊर्जा अगर संभाले तो क्या बिना दीक्षा के कर सकता है। तो आप भले ही ऊर्जा भी संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी शास्त्र ये कहता है कि बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं है कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितना क्या होगा, आगे कैसा होगा, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर शास्त्र के विधि विधान का उल्लंघन करना भी उचित नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन या हमारे अध्यात्म क्षेत्र में गुरु का कोई मतलब अर्थ ही नहीं होता। सीधा भगवान का नाम है, वो तो कहीं से भी प्राप्त हो जाता है, शास्त्रों में प्राप्त हो जाता है, और सीधा भगवान का जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। कुछ लोग तो सिर्फ भगवान को ही गुरु बनाने की बात आती है, बीच में आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसा कहीं पर भी आपको, कहीं भी किसी महापुरुष के जीवन में आपको कभी नहीं दिखेगा कि हाँ सीधे उन्होंने भगवान से ही सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। अब आपको दो तीन उदाहरण में बताता हूँ। जैसे राम भगवान, जैसे कि रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस जी हुए, वो भगवती महाकाली की इतनी उपासना की और आराधना की है कि वो भगवती को साक्षात वार्ता कर लेते थे। ऐसा उनके जीवन चरित्र में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर भी उनको एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। भगवती ने स्वयं कहा कि हाँ, ये व्यक्ति को मैंने तुम्हारे लिए गुरु रूप में बुलाया है, इनसे दीक्षा ले लो। दूसरा उदाहरण आपको श्री संत मीराबाई का वर्णन आता है कि वो भी साक्षात भगवान कृष्ण से वार्ता करती थी, लेकिन उनको भी संत रविदास जी को गुरु बनाना ही पड़ा। तो गुरु का अपना एक महत्व है, वो समझना है। बहुत से लोग गुरु बनाने के लिए, या किसी को गुरु बनाने के लिए, या किसी का शिष्य बनने के लिए, किसी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस अब हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, साधना करें कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। जबकि अध्यात्म क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो आपको ये लगता है कि नहीं, कोई आपको जो लालच देता है कि नहीं आप ये मंत्र है, एक दिन में आप सिद्ध कर लोगे, भूत आ जाएगा, ये प्रेत सिद्ध हो जाएगा, ये बेताल सिद्ध हो जाएगा, ये डाकिनी सिद्ध हो जाएगी, शाकिनी सिद्ध हो जाएगी, ये अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण के साथ का सारा काम कर देंगे, ये लोग केवल और केवल समाज को, आपको भ्रमित करते हैं। ये खुद पतित लोग होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं, और आपको भी उस मार्ग पर ले जाकर अपना कुछ एक आपका शोषण करने के लिए ही एक प्रकार से वो आपको लालच देते हैं। इनसे सावधान रहने में ही भलाई है। और मैं आपको सरल मार्ग बताया था कि भगवान का नाम जपिए, भगवान के नाम पर कोई पाबंदी नहीं है। भाव को भाव अनक हालसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। दुर्गा 32 नाम, दुर्गा सतनाम, देवी देवताओं के सतनाम होते हैं, सहस्त्र नाम होते हैं, उनका निजी नाम भी होता है। जैसे कि हम लोग भगवान का सरल नाम जपते, श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, कृष्ण हरि, ऐसे अनेक भगवान के नाम। आप कुछ भी नहीं आता तो आप सीधा सीधा राम राम भी आप जपते देते हो, तभी भी अपना उद्धार हो जाता है। तो बाकी जो भी आपको गुरु चाहिए, जो संत चाहिए, संतों को समझने की, संतों को गुरु रूप में धारण करने की जो क्षमता, पात्रता, योग्यता है, वो केवल और केवल इष्ट कृपा से ही प्राप्त होती है। और यही सरल सीधा मार्ग है। दो और दो चार ही होते हैं। आप दो और दो कोई पाँच बनाने की कोशिश करें, या दो और दो तीन बनाने की कोशिश करें, तो वो फिर उसका परिणाम क्या होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। और वो उसका कोई विधान शास्त्र में नहीं है। तो जब आप इष्ट कृपा होती हैं तभी ही गुरु मिलते हैं, और गुरु कृपा होती तब इष्ट मिलते हैं। सीधा सीधा सूत्र है। ऐसा भी है, क्योंकि जिनके जीवन में पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पुण्य संस्कार होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में साधना की होती, तपस्या की होती है, जिसके कारण उनको तत्काल में गुरु मिल जाता है, जन्मजात गुरु मिल, जैसे कि कुछ महापुरुष हुए हैं, जैसे लाहड़ी महाशय जी के जीवन में देखते हैं, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जीवन में देखते हैं, तो ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और ये देवी महापुरुष होते हैं, दिव्य महापुरुष होते हैं। तो इसलिए इन महापुरुषों का जो आचरण है, या इन महापुरुषों का जो अनुसरण है, हम लोग नहीं कर सकते। वो हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी नकल नहीं कर सकते। उनके विचार और उनके जो मार्गदर्शन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये बहुत आवश्यक है। आप स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र देखिए कि 6 वर्ष तक वो अपने गुरु के सानिध्य में रहे और तब वो समझ पाए कि हाँ, और इतने तीव्र जिज्ञासु स्वामी विवेकानंद जी, जीवन चरित्र जो भी युवा वर्ग हैं उनको एक बार स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ के देखना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जो जीवनी है, उनके जो वचनामृत है, वो पढ़ के देखना चाहिए। उससे एक आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा कि हाँ, वाकई में जीवन में गुरु आवश्यक क्यों है। शिव पुराण में भी गुरु दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, गुरु का महत्व क्या है, वो शिव पुराण में भी उसका वर्णन दिया है, अनेक ग्रंथों में वर्णन दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जिस प्रकार से आज जो मंत्र दिए जा रहे बाजार में, जिस तरीके से सारी चीज़ उपलब्ध हो रही है, ये भी शास्त्र के अनुसार परंपरा नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों को एक दूसरे की अच्छे से परीक्षा करनी चाहिए और तब के मंत्रों का आदान प्रदान होना चाहिए। इस तरीके से आज ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही, इसका नुकसान सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को देने वाले को और लेने वाले को, सबको होता है। क्योंकि ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, ये कोई हंसी मजाक का क्षेत्र नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको एकदम गुप्त रखा जाए, परंतु ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही बाज़ार की वस्तु से या बाज़ार में बिकने वाली सब्जी की तरह इसको कहीं पर भी अपने खड़ा करके बेच दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। ये गुप्त विद्या भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो ऋषि मुनियों ने अगर गुप्त रखना होता तो इतने सारे ग्रंथों का निर्माण ही क्यों होता। परंतु उसको समझने के लिए एक गुरु की भी आवश्यकता, मार्गदर्शक की आवश्यकता है, वो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। पुस्तकें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी को सीखने के लिए, उन पुस्तकों को समझने के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है। शिक्षकों के माध्यम से ही उन पुस्तकों को समझा जाता है, और तब वो इंजीनियर डॉक्टर बनता है 20-25 वर्ष के उपरांत। तो ये एक प्रक्रिया है भौतिक जगत की, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की भी है। इस मामले में किसी भी प्रकार की अधीरता नहीं करनी चाहिए। जो आपके अंदर भक्ति है तो आप उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए अनेक शास्त्र में, पुराणों में वर्णन है, उपाय दिए हुए हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ है, वो क्या अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग है, सरल है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप उसका पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, अनेक स्तोत्र है, अनेक कवच है, आप उनका स्तुति के माध्यम, भगवान की स्तुति करेंगे तभी प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होंगे तो आगे का मार्ग भी आपको देंगे। तो ये ऊर्जा संभाल पाए तो क्या हम प्रतीक्षा बिना कोई स्तर से कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और मंत्रों की ऊर्जा नाम या स्तोत्र से कहीं अधिक है, कृपया इसे पाने के लिए मंत्रों से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। तो भगवान प्राप्त करने से भी अधिक कठिन गुरु प्राप्त करना है, तो गुरु के बिना वास्तव में भगवान की प्राप्ति नहीं, ये भी सत्य है। परंतु देवी शक्तियों के माध्यम से गुरु प्राप्ति हो, इसके लिए मंत्र जाप किया जा सकता है क्या, कृपया बताइए। जिस देवी शक्ति की हम आराधना करते हैं, करते रहे तो, मतलब करते तो क्या नुकसान हो सकता है? तो अच्छे प्रश्न हैं, बड़े बड़े जिज्ञासु में प्रश्न हैं, इन पर भी हमें चिंतन करना चाहिए, कि उन्होंने बहुत अच्छी जिज्ञासा के साथ ये सारे प्रश्न किए हैं। तो ऐसा है कि भगवान का नाम जपने के लिए कोई मना नहीं है, भगवान की उपासना करने के लिए मना नहीं है, और स्तोत्र आदि करने के लिए मना नहीं है। आप जिस स्तोत्र की, आप जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से, क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, आप जिस रूप में भी भगवान की किसी भी रूप में उपासना करते तो वो एक परब्रह्म परमात्मा की ही उपासना है। जैसे अनेक मार्ग से निकली हुई नदियाँ एक सागर में विलीन हो जाती है, जैसे कहते हैं आकाशात पतितम तोयम किथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, कि आप किसी भी देवता को नमस्कार करते हैं तो एक ही परब्रह्म की उपासना है। बाकी जो जितनी भी हमें विभिन्नता दिखती है, ये रूपों में भी विभिन्नता है, तत्व रूप से कोई विभिन्नता है नहीं। तो जब आप उपासना करते, आराधना करते हैं, तो वो परमात्मा प्रसन्न होता है, और वही आपको फिर गुरु संत के प्रति किससे मिलना है, किसके मन में, आपके मन में भाव उत्पन्न करेंगे, वही इष्ट आपके मन में उस देव संत के प्रति, गुरु के प्रति स्वतः प्रेरणा उत्पन्न करते, भाव उत्पन्न करते हैं, आपको मार्ग देते हैं। और जब आपका हृदय बिल्कुल निश्चिंत रूप से निश्चित हो जाए, हर प्रकार से आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसको, जिसके माध्यम से हमें आगे का मार्ग प्रशस्त होगा,
तो आप उनके माध्यम से मार्गदर्शन लेने में कोई समस्या नहीं है। और संत महापुरुषों को भी, जो लोग दीक्षा देते, गुरु बनाते, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि बिना परीक्षण के ऐसे किसी को सहज ही उच्च कोटि के मंत्र या दीक्षाएँ नहीं दी जानी चाहिए, न ये शास्त्र के अनुरूप नहीं है। आज जिस प्रकार से 10 महाविद्याओं के मंत्र और जिस प्रकार से तांत्रिक मंत्र और ये दीक्षा देने का जो प्रचलन चल पड़ा है, ये कहीं से भी हमारे शास्त्र के अनुरूप नहीं है और इससे दोनों पक्ष की हानि होती है, गुरु और शिष्य दोनों की। ये विधान है। आप भगवान का नाम दीजिए, भगवान की उपासना बताइए, भगवान का सत्संग बताइए, उन्हें संसार के बारे में, आत्मा के विषय में, जीव कल्याण के विषय में, जीवात्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, परमात्मा की लीलाओं के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, संत महापुरुषों के ज्ञान के विषय में बताइए। और बहुत से ऐसे स्तोत्र हैं जिनके माध्यम से आप सहज रूप से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने दुर्गा जी का 32 नाम बताया, स्तोत्र है, आप भी पढ़ते हो, सबको पता है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 30,000 पुरुषरण करने से अनेक प्रकार की, जो आपकी विभिन्न प्रकार की मनोकामना, उससे आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ऐसे कई उपाय धर्मशास्त्र में वर्णित हैं। तो फिर उसके लिए आप मंत्रों के पीछे ही क्यों भागना चाहते हैं? इतना छोटा सा चीज़ें है, जैसे आपने कोई छोटा सा मंत्र है, आप इतनी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन उसके पीछे आप जानते हैं वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति है, जो परम तत्व है, वो ईश्वर है, वो उस मंत्र में बंधा होता है। और वो मंत्र आप जप करोगे तो वो परम शक्ति तक, जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली, जो कणकण में व्याप्त जो शक्ति है, वो शक्ति स्पंदित होती है वहाँ। आप उसको चेतना को झकझोरते हैं तो इतना सामर्थ्य उस मंत्र में होता है। तो उस मंत्र को आप ऐसे ही बिना विधि विधान के, बिना शास्त्र के, बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी परंपरा के आप उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए जिसको जो भी समझना हो, जो भी समझ में आता हो, मेरा कार्य जो है वो मेरा यही है कि मैं आपको सन्मार्ग बताऊं, जो सत्य है। मैं लाग लपट वाली बातें बिल्कुल नहीं जानता, जो सत्य है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप उसमें तर्क दे सकते हो, कुतर्क कर सकते हो कि आजकल गुरु कहाँ मिलते हैं, आजकल ऐसे संत कहाँ मिलते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेतत् देवानुग्रह हेतुकम्, एक ग्रंथ आता है, आद्य शंकराचार्य जी ने लिखा है, विवेक चूड़ामणि जिसे कहते हैं, तो उसमें ये बात आती है कि ये तीन चीज़ें दुर्लभ हैं, देवानुग्रह हेतुकम। देखो ये बात मैं जो आज कह रहा हूँ उसके लिए ये शास्त्र में भी संत जो महापुरुषों ने प्रमाण में दिया है कि ये तभी आपको प्राप्त होंगे जब आपके ऊपर देवताओं का अनुग्रह होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि भगवान की उपासना नाम करिए तो वो इष्ट की कृपा होगी, तब आपको वो चीज़ मिलेगी। देवानुग्रह हेतु का ये दुर्लभ है, लेकिन देवताओं के अनुग्रह से ही प्राप्त होगी। क्या? मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, कि मनुष्य का शरीर में भी मनुष्यत्व, यानी आपके अंदर मानवीय भावना, मानवीय चिंतन, ऐसा मनुष्य पशु की भांति नहीं कि जिसमें कोई न शील है, न गुण है, धर्म है, ज्ञान नहीं, विधान, तो ते मनुष्य रूपे नम्रगा, मनुष्य रूप में जो है ये प्रकार से पशु ही भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य रूपे न मृगा शरंती, तो ये ऐसा जीवन नहीं, मनुष्य ऐसा जो चिंतनशील हो, सोचे कि हाँ हमारा जीवन किस लिए है, क्यों है, हमारा जन्म क्यों है, हम किस लिए ये सब कर्म करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का, इस प्रकार का जिस पर चिंतन हो वही मनुष्यत्व। ऐसे व्यक्ति के अंदर मनुष्यत्व है। मुमुक्षत्व यानी मुक्ति की भावना, मोक्ष की भावना, ये सबके अंदर नहीं उत्पन्न होती है। सब आते खाते पशु की तरह जीते हैं, एक दिन खूब मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, मकान बनाते हैं, एक 3 मंजिल की जगह 4 मंजिल बना देते हैं, फिर 8 मंजिल 12 मंजिल भी खड़ा कर देते हैं, 1 एकड़ है 10 एकड़ खरीद लेते हैं, एक दिन सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं यहाँ से, हाथ में कुछ नहीं आता, और वो उनको लगता है कि बस धन कमाओ, संपत्ति कमाओ और खाओ पियो मौज करो, और एक दिन फिर तो समाप्त है सब कुछ, कुछ नहीं हमारे साथ रहना है। तो ऐसा जो भावना रखते हैं चारवाक दर्शन वाले लोग, उनके मन में मुक्ति के लिए भावना उत्पन्न होती नहीं है, मुक्ति का विचार आता नहीं, मुक्ति का चिंतन उनके मन में होता नहीं है,
तो समझ लेना चाहिए कि न तो मनुष्यत्व को प्राप्त हुए न मुमुक्षुत्व को प्राप्त हुए। तो मुमुक्षु का मतलब होता है जिनके मन में मोक्ष की इच्छा होती है, मोक्ष की कामना होती है, मोक्ष अपने आत्मकल्याण की कामना होती है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय और महापुरुषों का आश्रय, संत महापुरुषों का आश्रय, ये तीन चीज़ें दुर्लभ है और मिलती कब है? जब देवानुग्रह हेतु कब। तो मैं आपको वही कहता हूँ कि मार्ग वही है, आप चाहे कितना भी तर्क करिए, कुतर्क करिए, लेकिन आप जो बात सत्य हैं तो सत्य हैं। आप कोई कहे कि नहीं, मैं कहता हूँ भाई सूर्य तो पूर्व से निकलता है। आप कहेंगे नहीं ये पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है, हम कैसे मान लें कि नहीं पूर्व से ही निकलता है। तो तर्क कुतर्क करने चाहो तो खूब है आपके पास करने के लिए, क्या सत्य तो ये है कि सूर्य पूर्व से ही दिशा से ही निकलता है, ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब इसके बाद आप चाहे कुछ भी कारण लगाइए, कुछ भी गणित लगाइए, जो भी आपको साइंस लगाना हो, कुछ भी समझाइए, कुछ भी करिए, लेकिन बस जो बात शास्त्र में लिखा है कि सूर्य पूर्व से दिशा में निकलते हैं, मतलब निकलते हैं। ऐसे ही जब आपको अध्यात्म में आपको प्रवेश करना है तो जो मार्ग हैं, जो संत महापुरुष ने दिया है, जो शास्त्र ने दिया है, नान्य पंथा विद्यते यनाये, इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग नहीं है? कौन कि महाजनोगता एन स पंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं वही मार्ग है, नान्य पंथा विद्यते यनाये, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। तो ये आपको जो श्रद्धालु ने प्रश्न किए, प्रश्न चूंकि बड़े दिव्य हैं, आध्यात्मिक है, जिज्ञासु वाले हैं, आज के वर्तमान समय में बहुत से जिज्ञासु है, जैसे कैसे हमने किसी संत महापुरुष को देखा, बहुत से श्रद्धालु जो मेरे प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, कहते गुरु जी हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक है भाई तू मुझे बनाना चाहता है, लेकिन मुझे भी तो समझने दो कि मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ कि नहीं बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा मेरा कोई संस्कार होगा, तुम्हारा प्रारब्ध होगा, तो हम इसलिए इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं करते। उनका फिर जन्म कुंडली देखते हैं, हर तरह का देखते हैं, संबंध है जो भी है, फिर परमात्मा जैसी प्रेरणा करे, उसको जैसी प्रेरणा करे, फिर उनको हम साधना बताते, उपासना बताते, भाई तुम अपना करते जाओ, तो ये ठीक है, ये जो मार्ग होता है वो सही है, क्योंकि उसमें मेरा भी कल्याण है ना, उसका भी कल्याण है। मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा परमात्मा ने हमें एक साधु होने के नाते, संत होने के नाते, और ये भगवा वस्त्र में होने के नाते एक हमें हमारा दायित्व है, तो दायित्व निभाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बंधु होने के नहीं, हम आपके पास आए हैं तो आपको हमें दीक्षा देनी ही पड़ेगी, भाई इसके लिए तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन मेरे पास भी मेरा अपना अधिकार सुरक्षित है कि मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूँ कि नहीं बनाना चाहता हूँ। तो वो मैं अब तो अब उसका हम अधिकार का प्रयोग करके जब हमें लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति पात्र है तो शिष्य भी बनाया जा सकता है। ऐसा हमारे भेद नहीं कि नहीं हम बनाना नहीं चाहते या बनाते ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए दोनों का, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें शिष्य का भी उद्धार हो, गुरु का भी उद्धार हो, तो दोनों को सोचना चाहिए, ठीक से सोचना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला और दोनों का नरक में ठल्लम ठेला। तो चेले के में मन में लालच होता है कि नहीं गुरु से ये पालूँ, और गुरु के मन में ये होता है चेले से ये पालूँ, तो दोनों पाने पाने के चक्कर में पाते तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ऐसे चले जाते हैं कि फिर वहाँ से निकल भी नहीं पाते फिर। तो आध्यात्मिक जगत जितना कल्याणकारी है, यदि उसके हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उतना ही हमारे लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म तलवार के धार के समान चलने वाला मार्ग माना गया है। तो इसमें किसी प्रकार के कोई उतावलापन नहीं करना चाहिए, आपके पास अनेक शास्त्र उपलब्ध है, अनेक उपासना पद्धति उपलब्ध है, आराम से आप करते रहिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए। इतनी साधनाएं, इतनी उपासनाएं हैं, मैंने आप चैनल के माध्यम से कितनी सारी साधनाएं बताई और कितने सारे स्तोत्र अभी शेष है जो मैं आपको बता सकता हूं और बताऊंगा भी भविष्य में, जो आप सहज रूप से कर सकते हैं अपने इष्ट की उपासना के रूप में। जब इष्ट प्रसन्न होंगे, जब देवानुग्रह होगा, अनुग्रह माने देवताओं का जब अनुग्रह होगा, तो आप आगे का मार्ग भी मिलेगा, गुरु भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे। ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ है कि कोई परमात्मा के प्रति या जिज्ञासा उसके मन में हुई हो, प्रेम उत्पन्न हुआ हो, भाव उत्पन्न हुआ हो, भगवान की भक्ति के मार्ग पर वो आगे बढ़ना चाहता और उसको गुरु न मिले हो, संत न मिले हो,
ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास, चाहे जब से सृष्टि है तब से आज तक मैं बता रहा हूँ। सबको मिले हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, काल होता है, संस्कार होता है, अनुकूलता होती है। विवाह भी जैसे एक संस्कार होता है, ऐसे ही दीक्षा का भी एक संस्कार होता है, समय होता है, तो उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। तो मैं जहाँ तक मेरा अपना यह कहूँगा कि मंत्रों के क्षेत्र में जप के लिए, उसके अनुष्ठान के लिए, उसकी साधना के लिए केवल देखा देखी मैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि मेरे पास ऐसे से जो शास्त्र में जो विधान है वो भी मैं कहूँगा कि आप उसका उल्लंघन करोगे। और मेरा अपना जो अनुभव है, जो अनेक श्रद्धालुओं के अनुभव से आधार पर देखा है कि इसके परिणाम शुभ नहीं निकलते हैं। आप जो भी है, जैसा भी हो, ये मेरा अपना अनुभव रहा है, आपका अपना जो निजी अनुभव हो। और मैं ये कहता हूँ कि यदि आपका मंत्र आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा जाप करने से कल्याण हो सकता है, लाभ हो सकता है, तो उसके लिए मैं ऐसा किसी के लिए तो बाध्यता, मैं उसको बाध्य नहीं करता कि आपको नहीं जपना चाहिए। वो आपके आपका जो अधिकार है, आपकी जो स्वतंत्रता है, वो आपके पास है। मेरा जो दायित्व है, जो मुझे समझ में आता है, और जो शास्त्र का विषय है, शास्त्र की जो जो मर्यादा को उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना मेरा जो दायित्व है, उसी के आधार पे मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इसीलिए इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है, और इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से वर्तमान समय में शक्तिपात को लेकर भी जब भी देखते हैं कि चलो एक शक्तिपात शिविर लग गया, वहाँ पे आपने कुछ पैसे जमा कर दिए, अब आ गए और उनके अपने शक्तिपात तुरंत दीक्षा दे दिया, ये नहीं देखा गया कि यह इसका मतलब संस्कार है या नहीं है, और फिर आगे उसकी यात्रा ठीक से नहीं चली या कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हुई, तो वो दोनों अटक जाते, फिर गुरु भी अटकता है और चेला भी अटक जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक दूसरे को समय देना चाहिए, समझने का, समझाने का अवसर देना चाहिए, और तब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। भावावेश में कभी भी इस क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए। जैसे पति पत्नी का एक विवाह भी होता है, तो हम उसमें भी देखते हैं कि भाई दोनों का परिवार कैसा है, दोनों के संस्कार कैसे हैं, अब दोनों की जन्म कुंडली कैसे है, उनका गण मिल रहे कि नहीं, गुण मिल रहे कि नहीं, और फिर उसके बाद हम लोग विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारी सामाजिक मर्यादा पर और जो उसकी जो भी पालनाएँ होती है, उसका हम पालन करते हुए फिर वो संस्कार का निर्वहन करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से ये दीक्षा संस्कार भी होना चाहिए, और वही विधान शास्त्र में लिखा हुआ है। आप शिव पुराण पढ़िए या अन्य भी जो ग्रंथ है, महाभारत किसी भी ग्रंथ में पढ़िए, आपको यही विधान मिलेगा। तो मैं तो उन संत महापुरुषों की परंपराओं का, उन ऋषि मुनियों के ज्ञान का एक संवाहक मात्र हूँ, तो इसलिए वो जो बातें हैं, जो विषय है, मैं आपके समक्ष रखा हूँ, और उसी को ध्यान में रखते हुए भी आप अपना आचरण करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है और मार्गदर्शन है। नारायण नारायण।